वेलकम बैक टू माई चैनल नीतू सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ रहे हैं बॉडी का स्क्रब। बॉडी में अगर हमारे हल्के से दाने हैं या कह लो तो हल्के हल्के पिंपल्स हैं, उसको भी ये रिमूव करेगा। तो ये जो बॉडी का स्क्रब है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके इन्ग्रीडियंट हैं आपके घर में अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लूँगी 1 टेबलस्पून शुगर, ये आप देख सकते हो। तो 1 टेबलस्पून ही मैं कॉफ़ी लूँगी। तो मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये आप देख सकते हो 1 टेबलस्पून। इसमें हम हाफ जो है वो लेमन लेंगे, ये देखिए। तो मैं इसको ट्विस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये मैं लेमन इसमें डाल दूँगी, ये हाफ लेमन है, तो आपने भी हाफ लेमन डाल देना। और उसमें हम करेंगे रोज़ वाटर मिक्स। तो मेरा फ्रेश रोज़ वाटर है, तो वही मैं मिक्स करूँगी इसमें। तो रोज़ वाटर जो है ना, वो हमने ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, ताकि वो लिक्विड ही ना हो जाए। तो हमने इसको अच्छे से मिलाना है। तो मिला के मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रब ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन को फेयर भी करेगा। ये हमारे पिगमेंटेशंस अगर हैं हमारी बॉडी पे, अगर जैसे मैंने पहले बताया था दाने वगैरह हैं, तो वो भी रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें हमने शुगर डाली है ना। तो मिक्स जो है वो अच्छे से करना है। अगर आप इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हो, तो आप राइस ऐड कर सकते हो, राइस का पाउडर, तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी तो मैंने यही ऐड किया है, आप ये देख सकते हो। तो ये हमारा बॉडी का स्क्रब रेडी हो चुका है। तो आप इसको नहाने, मतलब आप सोप भी नहीं अप्लाई करोगे ना, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो एज ए सोप का काम करेगा ये वाला स्क्रब। तो शुगर जो है वो आपने यही लेनी है, जो मैंने घर वाली है, ज़्यादा पीसी हुई, बारीक पीसी हुई नहीं लेनी है, क्योंकि इसी से ही आपका अच्छे से स्क्रब हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हैंड पे करके बता रही हूँ। तो आपने रोज़ वाटर ले ही जाना है, रोज़ वाटर ले के उसके साथ ऐसे स्क्रब कर लेना। तो वैसे तो ये बॉडी का स्क्रब है, तो आप हल्का सा पानी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा हम रोज़ वाटर बॉडी पे नहीं यूज़ करेंगे। तो जितना हमने बीच में डाला उतना ही हम करेंगे। उसके बाद ये मैं अच्छे से इसको ऐसे मसाज दूंगी अपनी बॉडी पे। तो अभी मैं हैंड्स पे अप्लाई करके बता रही हूँ आपको। तो इसको आपने कम से कम 5 से 10 मिनट तक रहने देना है अपने बॉडी पे ऐसे। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। तो ये आपका बॉडी स्क्रब बनके रेडी है। लेमन की हेल्प से भी ऐसे भी कर सकते हो हैंड्स पे अपने, ये देखिए, इससे मसाज कर सकते हो आप 2 से 3 मिनट तक, या 5 मिनट तक भी कर सकते हो, क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमें हार्म करेंगे। तो जो चीज़ हम खा सकते हैं ना, वो लगा भी सकते हैं। तो मैं आपको ये एज ए पैच टेस्ट करके दिखा रही हूँ। अभी मैंने वॉश नहीं किया है, फिर भी इसका मतलब क्लियर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसको कम से कम वीकली 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसके। तो ये आप देख सकते हो कि मेरा हैंड कितना क्लियर लग रहा है। ये मैंने जस्ट अभी वॉश ही करा है।
ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।